हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सखी क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं साधना सिंह एक प्यारा सा छोटा सा बेबी कैप लेके आई हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों, ये सीधी उल्टी सिलाई से इस डिज़ाइन पे इस कैप को बनाया गया है। बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल ये किनारे से, यहाँ से एक किनारे से हमने फंदा इसमें डाला है और ये कैप इस तरीके से करके ये बनती चली जाएगी। ये पूरे कैप की नक्शा इस तरीके से है, ये बनाया गया है। ये इसकी लंबाई है, ये मैंने डिज़ाइन के तौर पे बनाया है और इसको मैं अब आगे आपको बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से बनेगा। दोस्तों, कोई भी आप दो कलर ले सकते हैं इसको कैप को बनाने के लिए, जो भी आपको कलर अच्छा लगे, और एक प्यारा सा खूबसूरत सा अपने कैप को एक नया लुक दे सकते हैं। तो आइए इस कैप को बनाते हैं कि किस तरीके से बनेगा। और दोस्तों, इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को दबा दें ताकि वीडियो का न्यू अपडेट आपके पास सबसे पहले मिले और शेयर करना ना भूले। तो आइए हम इस कैप को बनाते हैं कि किस तरीके से कैप को बनाया गया। दोस्तों, इसमें हमने 25 फंदे रखे हैं और सिंगल धागे से ही इसमें हमने फंदे को डाला है। ये देखिए, ये हमारे सिंगल धागे, इस तरीके से इसमें फंदे डाले जाएंगे। इस तरीके से इसमें फंदे डाले गए हैं, ये सिंगल धागे हैं। तो इसी पे हम कैप बनाना बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में क्या करेंगे, इसमें सभी फंदे हम आगे की तरफ से उल्टे बिनते चले जाएंगे। डिजाइन में बता रही हूँ आके आगे इसके फंदे कितने पड़ेंगे बड़ा कैप बनाने के लिए, वो सब भी मैं आपको बनाने के बाद बताऊँगी। इसको हमें इस तरीके से बुनते चले जाना है, ये हमें उल्टी सिलाई इसमें बुनते चले जाना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप बिगनर भी हैं, पहली बार बना रहे हैं, सीधी उल्टी सिलाई बुनना जानते हैं, तो इस कैप को आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो हम पूरे लाइन को इसी तरीके से उल्टे बुनते चले जाएंगे। दूसरे लाइन में हमने क्या किया है, इन सभी फंदों को हमने बुन लिया है और जो 5 फंदे हैं हमें किनारे छोड़ देना है। और क्या करेंगे, यहीं से सिलाई को सीधा करेंगे और बाकी जो फंदे हैं हम बुनते चले जाएंगे। इसको भी हमें आगे की तरफ से उल्टे ही बुनते चले जाना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सारे फंदे हम इसी तरीके से बुनते चले जाएंगे। ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है छोड़ने के बाद। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें हमने बॉर्डर रेड कलर से दिया है तो इसमें वाइट से हम बॉर्डर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 फंदे नीचे से उल्टे बुन लेंगे। ये उल्टे की तरफ से हमें दोनों तरफ उल्टे ही लाना है, तो उल्टे हम बुनते चले जाएंगे। तो 5 फंदे, 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे हो गया। और ये इस पर हमने 5 फंदे यहाँ पर छोड़ा है और बॉर्डर में 5 फंदे। यही अगर हम बड़ा कैप बनाएंगे तो उसमें यहाँ पे हमें 10 फंदे रखना है। अगर न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना है तो आपको 45 फंदे रखना है। अगर और बड़ा बनाना है उससे तो 50 फंदे आप रख सकती हैं। उसमें इस फंदे को हमें 10 फंदे यहाँ पे रखना है और यहाँ पे भी 8 फंदे रखिए या 10 फंदे भी आप रख सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरा धागा लगाएंगे हम, यहाँ से दूसरा धागा लगाएंगे और सभी फंदों को ऊपर हमें बिनते चले जाएंगे। क्योंकि हमें लाइनिंग लाना है लाइन, तो हमें उल्टे की तरफ से इसमें धागे को लगाना है। तो सभी फंदे हम उल्टे ही बुनते चले जाएंगे। इसमें जो फंदे हमने छोड़ा है वो भी हम रेड बुन जाएंगे, रेड उनको भी बुनते चले जाएंगे। क्योंकि ये 4-4 लाइन में, ये हम ये जो लाइनिंग बनी है 4 सिलाई में ये दिया गया है, तो ये हमें पूरा बुन लेना है। तो हमने इसको बुन लिया, फिर क्या करना है, इन सभी फंदों को अब हम उल्टे बुनते चले जाएंगे। पहली लाइन में हम और दूसरी लाइन में एक सिलाई पीछे से सारे फंदों को उल्टे बुनेंगे, फिर आगे से सभी फंदों को उल्टे बुनते चले जाएंगे। और तीसरी लाइन में हमें क्या करना है, 5 फंदों को छोड़ देना है। इसके बाद वहीं से
हमें वापस लौट जाना है और सभी फंदों को बुनते चले जाना है, जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में किया है। ये पूरी लाइन हमने बुन दिया है और इसके बाद 5 लाइन छोड़ के यहीं से हमने बुनना स्टार्ट किया है। सेम वही तरीका हमें आगे भी दोहराते चले जाना है। तो हम सभी फंदों को क्या करेंगे, बुन देंगे। मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमारा बॉर्डर आ गया, तो बॉर्डर क्या करेंगे, धागे को आगे ले आएंगे और इन 5 फंदों को हम उल्टे बुन देंगे। पीछे से भी वही हमें क्रम दोहराना है, क्योंकि पट्टी हमारी ये पूरी ये कैप में जा रही है, तो हमें सेम वही तरीका दोहराना है। इसको हम स्लिप कर लेंगे और बाकी जो वाइट फंदे हैं 5, उनको हम बुन लेंगे। अब इन्हें हमें रेड ही बुनते चले जाना है। 2 लाइन हमने पहले ही बुन लिया है, ये तीसरी लाइन है हमारी, थर्ड रो है। तो हम इन सभी फंदों को क्या करेंगे, बुनते चले जाएंगे उल्टे ही। थर्ड रो में हमें तीसरी लाइन, इसके बाद क्या करेंगे, हम ये 5 फंदों को छोड़ देंगे और यहीं से वापस सभी फंदों को धागे को मोड़ लेंगे और सभी फंदों को हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे बुनना। 2 सिलाई हमें सीधे बुनना है बिल्कुल ऊपर तक, और 2 सिलाई के बाद तीसरी सिलाई में हमें 5 फंदे छोड़ के वहीं से सभी फंदों को बुनते चले जाना है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बाकी सभी फंदे हम बुन देंगे और वाइट की जगह पे ही वाइट ही बुनते चले जाना है। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, उल्टे की तरफ से ये जो रेड का कलर है, ये 4 लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें सभी फंदों को क्या करना है, उल्टे की तरफ से सभी फंदे हम पूरे वाइट ही बुनते चले जाएंगे। धागा हमें उल्टे की तरफ से ही यूज करना है, क्योंकि ताकि आगे जो हमारा सीधे डिजाइन जा रहा है, गांठ की आ रही है, वो सीधा दिखाई दे, इस तरीके का ना दिखाई दे। तो इसलिए हम ये उल्टे की तरफ से सभी धागे लगाएंगे और सभी फंदों को हमें सीधे ही बुनते चले जाना है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमें क्या करना है, ये हमारी वाइट की फर्स्ट रो है, तो सभी फंदों को हम बुन लेंगे यहाँ पे। यहाँ से जो हमारा ये लाइनिंग जा रहा है, सिंगल जाएगा। आई यहाँ से 5 फंदे छोड़ने के बाद 2-2 लाइन हमारी ये कैप की डिज़ाइन में जाएगी। तो ये फर्स्ट इसकी वाइट का फर्स्ट लाइन है, तो हम इसको बुन लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे सभी फंदे हमें बुनते चले जाना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे 1 लाइन आ रहा है और नीचे हमारा इसका 2-2 लाइन जा रहा है। तो यहाँ पे सिंगल ही लाइन हम सभी फंदों को उल्टे बुनते चले जाएंगे। पूरी लाइन हमें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर उल्टे की तरफ से रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टे ही बुनते चले जाएंगे। हमें यहाँ पे सभी फंदे उल्टे बुनने हैं और यहाँ पे 5 फंदे हमें छोड़ देने हैं। तो हम सभी फंदे उल्टे बुन के आपको दिखाते हैं। यहाँ से देखिए हमें 5 फंदे छोड़ देने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 हो गए फंदे और यहीं से हमें वापस चले जाना है और सभी फंदों को उल्टे ही बुनते चले जाना है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये डिजाइन, ये जो लाइनिंग बनी है, 4 लाइन में बन के तैयार हो गया है, जिसमें कि इस तरीके से आया हुआ है। तो हमें अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये हम ऐसे ही बुनते चले जाएंगे। एक बार और मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये लाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ये लाइन हमारा पूरा जाएगा और जो तीसरी लाइन है वो चौथी लाइन, ये यहीं से वापस फंदा मुड़ जाएगा। यहीं से 5 फंदे छोड़ के हम बुना स्टार्ट करेंगे। अब हमें दूसरा धागा लगाना है और ये किनारी हमारी, ये बॉर्डर जा रहा है वाइट का, तो इनको तो हम वैसे ही बुन लेंगे। 5 फंदों को हमने बुन लिया है, इसके बाद क्या करेंगे, धागा आगे करेंगे और इन सभी फंदों को हम रेड बुन देंगे। यहाँ पे ऐसे ही यहाँ तक सारे फंदों को हमें बुनते चले जाना है। पूरा लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सभी फंदों को हम
ऐसे ही बुनते चले जाएंगे। इस तरीके से हमें ये बुनते चले जाना है। तो मैं बुन के आपको आगे का दिखाती हूँ। हमारी पीछे से आगे से लाइन कंप्लीट हो गई है। फिर हम ये 5 फंदे वाइट बुन लेंगे। ये नीचे का भाग है, ये जो हमारा जा रहा है ये नीचे का भाग है। सिंगल इधर एक लाइनिंग आएगी, बाद में डबल डबल लाइनिंग यहाँ पे बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस धागे को ऐसे क्रॉस कर देंगे ताकि ये हमारा यहाँ पे जाली ना आए, और ये सारे फंदे हम उल्टे की तरफ से उल्टे बुनते जाएंगे। दो लाइन हमने बुन लिया है, ये तीसरी लाइन है। तो तीसरी लाइन हम क्या करेंगे, पूरे फंदों को हम बुनने के बाद इधर से किनारे से हम 5 फंदे छोड़ देंगे। वो मैं भी आपको बुन के दिखाती हूँ। ये थर्ड रो में हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें 5 फंदे छोड़ देना है, जो कि हमारे ये 5 फंदे आ गए यहाँ पे। और यहीं से हम कांटे को मोड़ लेंगे और बाकी जो फंदे हैं उल्टे ही बुनते चले जाएंगे। इसी तरीके से ये कैप को बनाया गया है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, तो सारे फंदे हम इसी तरीके से ये लाइनिंग लाइनिंग बना के इस कैप को हम बनाते चले जाएंगे। तो मैं बुन के आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरीके से इसकी बुनाई होगी। ये जो हमारे 5 फंदे छोड़ के इधर सिंगल फंदे आएंगे, सिंगल ही बुनाई होगा, और इधर ये दो लाइन में ये हमारा बुनाई बनता चले जाएगा। तो मैं सारे कैप बना के आपको पूरा बना। दोस्तों इसकी लंबाई अब पूरी हो गई है और इस तरीके से ये हमारा कैप बन के तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इन सभी फंदों को हम उतार लेंगे। हम सारे फंदे घटाते चले जाएंगे। तो हमें घटाना किस तरीके से है, हम उल्टे की तरफ से ही घटाएंगे दूसरे कलर से, ताकि ये जो हम घटाएंगे वो सिलाई में आ जाएगा। तो हमें दो दो फंदों को क्या करना है, एक साथ जोड़ के घटाते चले जाना है। इस तरीके से क्या करेंगे, इन दोनों फंदों को घटा देंगे और हमें ऐसे ही सारे एक एक फंदे करके घटा लेना है। तो मैं पूरा घटा के आपको फंदे इस तरीके से बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से सभी फंदों को हमें इस तरीके से उतार लेना है। सभी फंदे हमने घटा लिए हैं, अब हमें सिलाई देना है। इसमें गांठ लगा के हम अभी सिल के आपको दिखा। दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसको हम बराबर करेंगे और यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम डबल गांठ लगाएंगे, दो बार सिलाई करेंगे और इसको इस तरीके से खींच लेंगे। फिर एक बार वही तरीका फिर इधर से भी करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे मजबूत सिलाई करना है। मैं ऐसे ही इसको सिल रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब हमें इसको बराबर करना है। फिर हमें किनारे से ये जो हमने फंदे उतारे हैं उसको पकड़ करके इनमें सिलाई देते चले जाना है, ताकि ये हमारा लाइनिंग सही से आए। तो हमें वाइट ही फंदों को धागों को पकड़ के ही सिलते चले जाना है। मैं पूरा वो सिल के दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से सिलाई होगा। इसकी हमने सिलाई पूरी कर ली है और ये हमारा कैप रेडी हो गया है बन के। इस तरीके से ये तैयार हो गया है। यहाँ पर आप चाहें तो पम्पम भी लगा सकती हैं, यहाँ पे आपको अगर पसंद है तो उसको आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा कैप बनके तैयार हो गया है। अगर ये आपको कैप पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो का न्यू अपडेट आपके पास सबसे पहले मिले। और शेयर करना ना भूलें। और न्यू बर्न बेबी हो या 6 महीने के बच्चे के लिए, आप 45 फंदे या 50 फंदे इसमें रख सकते हैं। और 45 फंदों में या 50 फंदों में आपको इसमें ये जो पट्टी बनी है उसमें 10 फंदे और यहाँ पे 10 या 8 फंदे आपको रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।